नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना सर के बारे में। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुक मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी। दोस्तों, किसी ज़माने में राजेश खन्ना को स्टारडम का दूसरा नाम कहा जाता था। उनकी एक्टिंग और डायलॉग लोगों को उनका दीवाना बना देती थी। तो बोलो, ये लो फिर तुम्हारी आंखों में पानी। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है पुष्पा, मुझसे ये आंसू नहीं देखे जाते। आई हेट टीयर्स। दोस्तों, राजेश खन्ना का असली नाम जतिन खन्ना था और लोग इन्हें प्यार से काका कहकर बुलाते थे। इन्होंने कई यादगार फिल्मों में काम किया। एक समय तो ऐसा आया जब इन्होंने 15 सुपरहिट फिल्में दे डाली, जो कि आज तक एक रिकॉर्ड है और आज तक इसे कोई भी नहीं तोड़ पाया। क्या फर्क है 70 साल और 6 महीने में? मौत एक पल है बाबू मशाए, आने वाले 6 महीने में जो लाखों पल में जीने वाले उसका क्या होगा बाबू मशाए? जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। दोस्तों, राजेश खन्ना की स्टारडम का आलम तो यहाँ तक था कि इनकी फीमेल्स फैंस इन्हें खून से खत लिखा करते थी। शायद ही आज किसी स्टार को लोगों का इतना प्यार मिलता होगा। मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। दोस्तों, राजेश खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1942 को अमृतसर में हुआ। इनकी मां का नाम चंद्रानी खन्ना था तथा पिता का नाम हीरानंद खन्ना था। इनके पिता एक अध्यापक थे। बाद में इनको इनके रिश्तेदारों ने गोद ले लिया। राजेश खन्ना ने अपनी पढ़ाई सेंट सेबेस्टियन हाई स्कूल से की और यहां उनकी दोस्ती रवि कपूर यानी जितेंद्र जी से हो गई। पढ़ाई के साथ साथ राजेश खन्ना स्कूली नाटकों में भी अभिनय किया करते थे और यहीं से उनके मन में अभिनय के प्रति रुचि उत्पन्न होने लगी। उसके बाद बीए की डिग्री हासिल करने के लिए राजेश खन्ना और जितेंद्र ने केसी कॉलेज में दाखिला ले लिया। कॉलेज में उन्होंने कई नाटकों में भाग भी लिया और कई पुरस्कार भी जीते। दोस्तों, उन दिनों फिल्मों में आने से पहले नाम बदलने की एक परंपरा थी, इसीलिए उनके चाचा ने उनका नाम जतिन खन्ना से बदलकर राजेश खन्ना रख दिया। दोस्तों, राजेश खन्ना ने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत फिल्म आखिरी खत से की, लेकिन ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी। राजेश खन्ना की शुरुआती फिल्में तो कुछ कमाल नहीं दिखा सकी, लेकिन 1969 में रिलीज हुई फिल्म आराधना सुपर डुपर हिट रही और यहीं से उनकी हिट फिल्मों का सिलसिला शुरू हो गया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। तो अब बात करते हैं इनकी निजी जिंदगी के बारे में। तो इन्होंने 1973 में डिंपल कपाड़िया से शादी कर ली। इसके अलावा इनकी दो बेटियां हैं, ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना।